हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ऑन थिंक यूट्यूब चैनल वीडियोज़ में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में फ्रेंड्स आपके कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स बताने वाला हूँ, जो अभी लेटेस्ट इस दिसंबर टू 2019 जनवरी चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहली हाईलाइट ये बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपके जो आई बी के एग्ज़ाम डेट आ चुके फ्रेंड्स, वो आपका 17 जनवरी से फ्रेंड्स आई बी के एग्ज़ाम शुरू होंगे, एक ही दिन होंगे और एक ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, सेकेंड न्यूज़ फ्रेंड्स ये है कि आपके आईबी के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं फ्रेंड्स। किसी किसी के फ्रेंड्स एडमिट कार्ड आ गए हैं, किसी किसी के शॉर्टली अपडेट आ रहे हैं, मतलब उनके भी अपडेट हो जाएंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट न्यूज़ ये है फ्रेंड्स कि जो हमारा जो आरपीएफ का फ्रेंड्स, जो एसआई का फ्रेंड्स, जिनका 9 जनवरी को था फ्रेंड्स, उनका फ्रेंड्स एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। तो फ्रेंड्स उनको फ्रेंड्स बताया गया है कि उनको थ्रू मैसेज से बताया जाएगा कि उनका अब नेक्स्ट कब होगा पेपर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट फ्रेंड्स ये न्यूज़ है कि ALP CBT-2 की फ्रेंड्स डेट आ चुकी है कि वो 21, 22, 23 को एग्ज़ाम है उनका भी एडमिट कार्ड और सब कुछ आ चुका है, वो भी आप अपना जाके एडमिट कार्ड और अपना सेंटर देख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि फ्रेंड्स जो आपके फ्रेंड्स एक फ्रेंड्स मैं इसमें 50% क्या 50% या 95% कह रहा हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स आरपीएफ का फ्रेंड्स जो है जनवरी में 17 जनवरी से 25 जनवरी तक जो पेपर है जो है ग्रुप ए बी और एफ़ का, तो फ्रेंड्स उसमें ALP CBT-2 का भी 21, 22, 23, तो फ्रेंड्स रेलवे एक साथ दो एग्ज़ाम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अब CBT-2 का तो फ्रेंड्स डेट आ चुका है ALP, तो आई थिंक फ्रेंड्स ये अब इसका RPF का फ्रेंड्स डेट बढ़ सकता है, तभी अभी तक इसके एडमिट कार्ड नहीं है, शायद इसका डेट बढ़ जाएगा, वरना 10 दिन पहले फ्रेंड्स एडमिट कार्ड आ चुका होता फ्रेंड्स। कल ही एडमिट गया, परसों आ जाता लेकिन नहीं आया, तो फ्रेंड्स इसका मतलब अब ये डेट बढ़ चुकी है आगे, अब ऑफिशियल आपको नोटिस दे दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन हो सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि फ्रेंड्स SSC-GD के फ्रेंड्स एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं, जो आपके 11 फरवरी से लेके 11 मार्च तक पूरे एक महीने एग्ज़ाम चलेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी उनका एडमिट कार्ड नहीं उन्होंने लिंक किया है, तो फ्रेंड्स आई थिंक फ्रेंड्स उनके एग्ज़ाम के 10 दिन या 15 दिन पहले वो अपना एडमिट कार्ड दे देंगे वेबसाइट पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स शॉर्टली में मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स आपके आईबी, आरपीएफ और एसएससी के आरपीएफ भी चल ही रहे हैं, और जिनका आरपीएफ कांस्टेबल है उनके भी शुरू होने वाले हैं ए बी और एफ ग्रुप वाले के। तो फ्रेंड्स शॉर्टली ये बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स आईबी और SSC-GD में फ्रेंड्स आपके बहुत कम से कम कितने फ्रेंड्स SSC-GD के तो भी फ्रेंड्स टाइम है, आईबी में थोड़ा सा टाइम है, बस 20-25। तो फ्रेंड्स मैं बोलना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो देखते रहिए और ऑनलाइन क्लासेस लेते रहिए फ्रेंड्स, वाइपर स्टडी या एग्जाम पोर्ट से करंट अफेयर्स को फ्रेंड्स देखते रहिए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स को। और फ्रेंड्स अब जनवरी के भी फ्रेंड्स करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, 10-15 कम से कम 20 पूरे या पूरे एक महीने का जनवरी का फ्रेंड्स करंट अफेयर्स देख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स आप अपनी फिजिकल की फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते जाइए फ्रेंड्स, फिजिकल की डेट आ जाएंगी जल्दी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको न्यूज़ अच्छी लगेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो।